हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। सो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैं लंच बॉक्सेस की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने संस्कृति को मकरोनी बना के दी थी, जो कि विदाउट चीज़ है, क्योंकि चीज़ डाल दूँगी तो वो हार्ड हो जाएगी और टेस्ट नहीं आएगा। और उसमें उसके साथ कुछ नट्स दिए थे। बहुत दिन से ना वो पराठा सब्जी है ना, वो थोड़े से लंच बॉक्स बहुत बोरिंग हो गया, तो मैंने कहा चलो आज इसको कुछ और बना के देती हूँ। तो यहाँ पर मकरोनी बनाई एंड थोड़े से नट्स दिए। यूजुअली मैं घर पे जब मकरोनी बनाती हूँ तो मैं चीज़ के साथ बनाती हूँ, बट अभी ठंडे हो जाएंगे इस वजह से नहीं बनाए वैसे वाले। तो यहाँ पर ये आज संस्कृति का लंच है और यहाँ थोड़े से मैंगो कट करके दे दिए थे उसको। फ्रूट्स में आजकल और कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज़ हर वाटर बॉटल, दैट्स इट। एंड अब आती है पति देव की बारी। सो आज मैंने उनको दिया था करेले की सब्ज़ी बना के दी थी, क्योंकि देखो करेला ना मैं खाती हूँ ना संस्कृति खाती है, तो करेले या तो मैंने हम लोगों के लिए मकरोनी बना ली थी, तो यहाँ पर उनके लिए करेले की सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि करेले ख़राब भी हो रहे थे। तो यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल आई है, जो कि ना मैं खा रही थी ना संस्कृति खा रही थी, तो फिर इन्हीं को निकाल मैंने कहा आप लाए तो आप ही फिनिश करोगे। सो यहाँ पर मैंगो भी थोड़े से दे दिए इनको और कस्टर्ड एप्पल भी दे दिए, मतलब क्या दो फ्रूट्स दिए। तो इसके बाद आज 15 अगस्त का सेलिब्रेशन भी होना हो, तो जो कि एक दिन पहले सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आके मैं संस्कृति को कुछ लाइनें वगैरह दे रखी थी प्रिपेयर करवाने के लिए, है ना, उसका कुछ डांस परफॉर्मेंस भी होना, तो अब आगे जाके आप वीडियो में वो एंजॉय करना। आगे कुछ कॉर्ड सेट भी मंगा रखे थे, जो कुछ जो जिसका वीडियो में मैं लास्ट में आपको दिखाऊँ। चलो चलो स्टार्ट। ऐसे बोलोगे आप? अच्छा वो नन्ना मुन्ना राही व्हाट इज दिस? ओके नन्ना मुन्ना स्टार्ट। नो प्लीज तो ये हैं कुछ कॉर्ड सेट जो मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाए थे, तो यहाँ मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। ये ऑरेंज वाला है, जो ऊपर की थोड़ा सा ना ऊपर का टॉप जो है थोड़ा सा ना बैलून टाइप में है ना, नीचे थोड़ा सा ना बैलून शेप में आ जाता है। तो ये मैंने मिंत्रा से बाय किया था। फैब्रिक बहुत ही समर फ्रेंडली है, बहुत ही देखने में आपको थोड़ा सा थिक फैब्रिक लगता है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है, समर फ्रेंडली है। तो ये मेरा पहला वाला कॉर्ड सेट है, ये मिंत्रा में से बाय किया था। सेकंड ये ब्लू कलर का है, इसका क्या कहते हैं जो टी शर्ट है वो, मतलब टी शर्ट थोड़ी सी वैसी है, कुछ ऐसा बैलून जैसा नहीं है। तो इसको मैंने इन करके पहना था, तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था एंड फैब्रिक बहुत अच्छा है। और ये वाला कॉर्ड सेट भी मैंने मिंत्रा से बाय किया था। इनके से जो सारे प्राइस हैं मैं मैं डिस्प्ले में लगा दूँ कि आप देख लेना। एंड वेरी कम्फी, थोड़ा जॉगर्स टाइप में है, दोनों के जो पैंट थे वो जॉगर्स टाइप में थे। तो ये वाला भी मैंने कॉर्ड सेट मिंत्रा से बाय किया था एंड बहुत ही, और मैं ना थोड़ा सा ना कंपैरिजन कर लेती हूँ फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से, तो जहाँ पे मुझे सस्ता मिलता है वहीं से मैं बाय कर लेती हूँ। एंड ये वाला कॉर्ड सेट मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, मिंत्रा से बाय नहीं किया था, और ये पहले ही बाय कर लिया था। और ये शॉर्ट्स में है और तीनों के फैब्रिक सेम है एंड इसका साइज़ एम था, दोनों बाकी के साइज़ एस था।
तो मैं हमेशा से क्या करती हूँ इसी तरह से ना, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में जहाँ प्रोडक्ट मैं विश लिस्ट करके छोड़ देती हूँ, और जब भी प्राइस डाउन जाता है तो मैं बाय कर लेती हूँ। एंड ये बस यही मेरा आज का वीडियो था, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।